जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20। इसमें अपराध सिद्ध होने पर संरक्षण दिया गया है। यह संरक्षण तीन तरीके से हमारे संविधान में डिवाइड किया गया है, पहला 21, फिर दूसरा 22, फिर 23। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो 21 आर्टिकल पहले देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया कार्योत्तर विधि से संरक्षण या मतलब कानून, कोई व्यक्ति है अगर इस प्रेजेंट टाइम में कोई अपराध करता है तो उसको इस समय जो भी संविधान में लिखा होगा कि इस व्यक्ति को ये अपराध के लिए ये सज़ा मिलेगी, तो उसको वही दिया जाएगा, ना कि आने वाले समय में जो लागू हो जाएगा कानून में उसे सज़ा वह नहीं दी जाएगी। मतलब जो प्रेजेंट में लागू है वही दी जाएगी। इससे ये संरक्षण देता है 21 आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 22। यह कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान है। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई अपराध कर देता है तो उसे एक ही बार सजा या मुकदमा सुनाया जाएगा या किया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन दोबारा नहीं किया जाएगा दो बार अपराध के लिए। और अगर वह फिर से छूट कर जेल से फिर कोई अपराध करता है तो उसे फिर सज़ा दी जाएगी, ठीक है, मगर एक बार एक ही मुकदमा एक ही सज़ा सुनाया जाएगा एक ही बार। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरा आर्टिकल 23। तो इसमें दिया गया आत्म अभिशंसन से संरक्षण। मतलब कि जेल में जब पुलिस टॉर्चर करती है किसी अपराधी को कि आपने ही ये अपराध किया है, इसे एक्सेप्ट करो या स्वीकार करो, तो ये सब नहीं किया जा सकता, संविधान में अपराध माना गया है। इस वजह से अपराधी को संरक्षण प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किसके तहत, आर्टिकल 23 के तहत। और यह कब किया जा सकता है, जब डीएम आदेश दे कि आप अपराधी को टॉर्चर करो कि अपराध उसी ने किया तो किया जा सकता है। इसमें यह दिया गया बस इतना ही, और आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।